हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देख रहे हैं जैनिक जंक्शन और इस वीडियो में हम जानेंगे वाराणसी के बारे में। गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश राज्य का ये प्रसिद्ध नगर बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। दो नदियों वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। इस नगर का नाम पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में मिलता है। वेदों में भी काशी का उल्लेख है। संस्कृत पढ़ने प्राचीन काल से ही लोग यहाँ आया करते थे। इसके अलावा बौद्ध व जैन धर्म में भी एक महत्वपूर्ण और प्राचीन शहरों में ये एक है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर लगभग 84 घाट बने हुए हैं और ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक या धार्मिक कथा से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ इस दीवार पर पूरी चित्र प्रणाली बनाई गई है। जितने भी यहाँ पर घाट हैं वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। इस दीवार पर एक चित्र के माध्यम से इस तरफ भी है और उस तरफ, दोनों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आप। यह है दूसरी साइड का नज़ारा, आप देख सकते हैं। इनमें पांच घाट बहुत पवित्र माने जाते हैं। सामूहिक रूप से ये पांच तीर्थ कहलाते हैं। तो आइए सबसे पहले इन घाटों के बारे में ही जान लेते हैं। नंबर वन, अस्सी घाट। महाराजा बनारस द्वारा बनाया गया ये घाट काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। इसके पास कई अखाड़े और मंदिर हैं। घाट के दक्षिण में जगन्नाथ मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। ये घाट श्रद्धालुओं की आस्था व आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। नंबर टू, दशाश्वमेध घाट। इस घाट का निर्माण नगर निगम ने कराया था। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा देवदास द्वारा यहां 10 अश्वमेध यज्ञ कराने के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। नंबर थ्री, आदिकेशव घाट। वरुणा नदी के संगम पर स्थित ये घाट बड़ा ही सुंदर घाट है। यहां संगमेश्वर व ब्रह्मेश्वर मंदिर दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा गाय घाट, लाल घाट, सिंधिया आदि घाट काशी के सौंदर्य को उद्भाषित करते हैं। नंबर फोर, पंचगंगा घाट। इसी घाट पर संत कबीरदास ने गुरु रामानंद से दीक्षा ली थी और इसका निर्माण नगर निगम द्वारा किया गया था। ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण व दूधपापा नदियों का संगम है। यहाँ के बारे में आप यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं। नंबर फाइव, मणिकर्णिका घाट। इसका निर्माण महाराजा इंदौर ने कराया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट का धर्म प्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस घाट की गणना काशी के पंच तीर्थों में की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर स्थित भवनों के निर्माण पेशवा बाजीराव तथा अहिल्याबाई होलकर ने करवाए थे। नंबर सिक्स, काशी विश्वनाथ मंदिर। शिव को समर्पित ये मंदिर हिंदू धर्म का एक प्राचीन स्थान है जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। 1780 में इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था और बाद में 1853 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर पर सोने की परत मढ़वाई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिंदू धर्म का एक विशिष्ट स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से काशी कॉरिडोर के अंतर्गत इस मंदिर का विस्तार किया गया जो अद्भुत, अकल्पनीय और आश्चर्यजनक भी है। मोदी जी ने 8 मार्च 2019 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया और लगभग 32 महीने के निर्माण के बाद 13 दिसंबर 2021 को पूरे विधि विधान से मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया गया और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही 120 किलो सोने से बाबा विश्वनाथ जी के गर्भगृह में पत्थर चढ़ाने का काम किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। नंबर सेवन, तुलसी मानस मंदिर। ये सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है और इस मंदिर का हिंदू धर्म में महान ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामचरित मानस मूल रूप से 16वीं शताब्दी में हिंदी कवि, संत, सुधारक और दार्शनिक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसी स्थान पर हिंदी में लिखा गया था। आइए इसके बाद ऊपरी मंजिल पर चलकर देखते हैं क्या क्या है। ये काशी के आधुनिक मंदिरों में एक बहुत ही मनोरम मंदिर है। संगमरमर से बने इस मंदिर का निर्माण 1964 में रामनगर का किला, गंगा नदी के पूर्वी तट पर तुलसी घाट के सामने स्थित इसका निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने मुगल शैली में कराया था। इसमें एक संग्रहालय भी है जिसमें बनारस के इतिहास का खजाना है, जैसे अमेरिकी कारों का दुर्लभ संग्रहालय, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी। नंबर 10, आलमगीर मस्जिद। पंचगंगा घाट पर स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1663 में एक हिंदू पंडित ने कराया था। ये कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पंडित ने इसलिए कराया क्योंकि उसकी बेटी शकुंतला और स्थानीय मुगल के बीच एक विवाद चल रहा था। तब शकुंतला दिल्ली औरंगजेब के पास इंसाफ के लिए गई और औरंगजेब बनारस आया और शकुंतला का इंसाफ किया। तब शकुंतला के पिता पंडित और दूसरे हिंदू लोगों ने यहाँ इस मस्जिद की तामीर की और ऐलान किया कि ये मस्जिद बादशाह औरंगजेब आलमगीर को इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। इस मस्जिद में इस्लामी और हिंदू वास्तुकला का मिश्रण है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसके मीनारें थी जो अब टूट चुकी है। एक मीनार 1956 में रखरखाव के अभाव में टूट गई थी और दूसरी को 1958 में तोड़ दिया गया। मस्जिद के बाहर बना छोटा तालाब और उसमें लगा फव्वारा बेहद खूबसूरत लगता है। गंगा किनारे घाटों के बीच बनी ये मस्जिद अपनी खास पहचान रखती है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लो।